दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों, आज हम एक नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव और ये लिखा थॉमस हार्डी ने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नॉवल है थॉमस हार्डी का 6th पब्लिश नॉवल है और ये फर्स्ट हमारे पास पब्लिश हुआ था एक मैगजीन में जिसका नाम बेलग्रेविया है और ये जो वर्क है ये सेंसेशनलिज्म की वजह से माना जाता है। दोस्तों, ये जो नॉवल है हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ था जनवरी टू दिसंबर और इसकी पब्लिकेशन की डेट है 2 दिसंबर 1878। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। दोस्तों, इसमें हमारे पास जो पहला कैरेक्टर है वो है डिगोरी वन का। डिगोरी वन का कैरेक्टर जो है, डिगोरी हमारे पास एक रेडल मैन है और उसका काम क्या होता था, वो रेड कलर सप्लाई करता था फार्मर्स को ताकि वो अपनी शीप्स को रेड कलर दे सके। बाद में उसने रेडलमैन की जॉब छोड़ दी और वो क्या करता था, उसके बाद फार्मर बन गया था, डेयरी फार्मर बन गया था। वो थॉमसन का गार्डियन था, उसे थॉमसन पसंद थी और वेल्डेव की मौत के बाद या डेथ के बाद उसने थॉमसन से शादी कर ली और वो क्या था, उसे जो एडगन है था वो बहुत ज्यादा पसंद था। अब सेकेंड जो कैरेक्टर है वो हमारे पास है थॉमसन योब्राइट। थॉमसन योब्राइट जो है वो मिस्ट्रेस योब्राइट की भांजी है और क्लेम योब्राइट की कजन है। वो एक स्वीट सी फेयर सी लड़की है और वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा केयर करती है, उनको एडवाइस देती है और उनकी बातें वगैरह सुनती है, मतलब अगर उनका कोई मसला हो तो उसे सॉल्व करती है। और उसे भी एडगन हेथ बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव रखती है और आखिर में जो विल्डिव है वो उसकी डेथ हो जाती है और उसकी शादी जो है वो डिगोरी वेन से हो जाती है क्योंकि उसे उसका पता चल जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव इंसान है। तो चलिए दोस्तों, थर्ड कैरेक्टर जो है वो मिस्ट्रेस योब्राइट है। मिस्ट्रेस योब्राइट जो है वो हमारे पास जो इस नॉवल का हीरो है क्लिम योब्राइट, उसकी मदर है और वो एक प्राउड वुमेन है और थॉमसन योब्राइट जो है उसकी क्या है, आंट है। अब ये जो है ये एक क्यूरेट की डॉटर है, मतलब क्यूरेट कहते हैं वो बंदा जो पादरी के साथ चर्च में क्या करता हो, हेल्प करता हो। वो एक एजुकेटेड औरत है और वो क्या करती है, अपने आप को सुपीरियर समझती है और औरों को इंफीरियर समझती है जो एडगन हेथ में है। और उसे उस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई जब जो क्लिम योब्राइट है उसने फर्स्ट कटर की जॉब को क्या किया, स्टार्ट किया और वो एडगन हेथ की बुशेज में मर गई थी क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था। चौथा कैरेक्टर जो है हमारे पास वो है डैमन वेल्डिव। जो डैमन वेल्डिव है वो हमारे पास एक हैंडसम सा बंदा है जो क्या करता है, लड़कियों की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलने में माहिर है। वो एक इंजीनियर है, वो और यूस्टेशिया एक दूसरे को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि दोनों को एडगन है जो है वो बुरा लगता है और दोनों ये चाहते हैं कि वो ट्रेवल कर सके बाहर के मुल्कों में या वर्ल्ड की। और ये जो वेल्डिव है ये थॉमसन योब्राइट से शादी कर लेता है ताकि वो बदला ले सके यूस्टेशिया से क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया है और मिस्टर योब्राइट से क्योंकि मिस्टर योब्राइट जो है वो ये कहती थी कि जो थॉमसन योब्राइट है वो विल्डिव के काबिल नहीं है, विल्डिव इससे मतलब जो विल्डिव है वो इसके काबिल नहीं है। अब जो यूस्टेशिया है और विल्डिव है वो दोनों क्या करते हैं, फ्ली करने की कोशिश करते हैं, भागते हैं एडगन हेथ से, लेकिन दोनों क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं डैम में। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टर है यूस्टेशिया वाई। यूस्टेशिया वाई जो है वो हमारे पास इस जो नॉवल है इसकी हीरोइन है, ये 19 साल की लड़की है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो चाहती है कि कोई ऐसा बंदा इसे मिले जो उसे एडगन हेथ से ले जाए क्योंकि उसे एडगन हेथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उससे नफरत करती है। इसी वजह से वो क्या करती है, विल्डिव से प्यार भी करती है। फिर उसके बाद विल्डिव के बाद वो अपनी जो नजरे है वो क्लिम योब्राइट पे रख देती है कि वो उसे क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा और फिर क्लिम योब्राइट जो है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। लास्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है क्लिम योब्राइट। क्लिम योब्राइट जो है वो द नेटिव जो है उसका हीरो है। ये वो लोकल बंदा है, वो नेटिव है जो कहा गया था पेरिस गया था और फिर पेरिस से वापस एडगन हेथ आ गया। और ये जो है ये हमारे पास इस नॉवल का मेन कैरेक्टर भी है। क्लिम योब्राइट जो है वो एक एजुकेटेड और थॉटफुल बंदा है और ये मिस्ट्रेस योब्राइट का सिर्फ एक ही सन है। अब ये जो होता है ये जब वापस आता है एडगन हेथ तो ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसे एडगन हेथ बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर इसे यूस्टेशिया पसंद आ जाती है, उसके साथ इसका प्यार हो जाता है, फिर इनकी शादी हो जाती है। ये क्या होता है, ये एक आप कह सकते हैं प्रोस्पेरस मर्चेंट होता है, कहाँ का, पेरिस का। और ये क्या करता है, ये डायमंड की मतलब ट्रेड करता है, डायमंड का डायमंड मर्चेंट होता है।
फिर बाद में क्या होता है, ये एक स्कूल कीपिंग की जॉब शुरू कर देता है, मतलब स्कूल बना लेता है कहाँ पे, एडगनहेत में। और फिर इसकी स्कूल कीपिंग की स्टडी इतनी इंटेंस होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इसकी आई साइट जो है वो जवाब दे देती है, इसकी आई साइट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर ये क्या करता है, ये एक पर्स कटर की जॉब करता है और उसमें ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि एडगनहेत जो है उसके लिए कुछ कर रहा होता है। लेकिन इसकी जो मदर है मिस्टर जोब्राइट और इसकी जो बीवी है यूस्टेशिया, तो उन दोनों को क्या होता है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि एक ऐसी लो जॉब कर रहा है। अब लास्ट में जो है इसकी मदर जो है वो मर जाती है क्योंकि यूस्टेशिया जो है वो उसका डोर जो है डोर नॉक जो है वो क्या कर लेती है, इग्नोर कर लेती है। फिर वो क्या करती है, अपने घर जाती है और रास्ते में सांप के काटने से मर जाती है। जब वो मर जाती है तो जो क्लिम जोब्राइट है वो सारा जो दोष है अपनी बीवी को दे देता है और खुद को देता है, और बीवी जो है इससे लड़ झगड़ के चली जाती है। फिर इसकी जो बीवी है वो और जो बिल्डिंग है वो दोनों एस्केप होने की कोशिश में मर जाते हैं। और लास्ट में जो योब्राइट है, जो क्लिम योब्राइट है, वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी जो तन्हाई है उसे दूर करने के लिए लोगों को प्रीच करता है, लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों, अब समरी की तरफ बढ़ते हैं और समरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही नावल ओपन होता है, पहले एडगनहेड की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन बयान होती है। फिर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम कैप्टन वाई होता है, वो एक रेडल मैन के पास से गुजरता है जिसका नाम डिगोरी बेन होता है। डिगोरी जो है वो समझदारी से एक जवान परेशान औरत को ले जा रहा होता है जिसका नाम थॉमसन योब्राइट होता है, और इसकी बेइज्जती हुई होती है क्योंकि इसकी शादी जो विल्डीप से होनी थी वो नहीं हो पाती क्योंकि मैरिज लाइसेंस में कुछ मसला होता है नजदीक कम्युनिटी में। कहते हैं अगर से सच और भी पेचीदा है, विल्डीप जो है उसे अभी तक अपनी सबका महबूबा से प्यार होता है जिसका नाम यूस्टेशिया वाई होता है। यूस्टेशिया वाई जो है वो इस नॉवल की हीरोइन है और उसे एडगनहेड बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो चाहती है कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसे यहाँ से निकाल ले। अब यूस्टेशिया वाई क्या करती है, उसी शाम जिस शाम शादी रुकी हुई होती है, तो क्या करती है, आग जलाती है और विल्डीप को अपनी तरफ मुतवजे करती है। विल्डीप थोड़ा बहुत मुतवजे हो जाता है क्योंकि सारों लोगों ने आग जलाई हुई होती है 5 नवंबर की याद में। अब इन दोनों की मुलाकात होती है, इन दोनों की मुलाकात का पता जो है वो किसको, डिगोरी वैन को पता चल जाता है। डिगोरी वैन क्या करता है, वो थॉमसन की तरफ से इनकी मुलाकात में मुदाखलत करता है। अब जो विल्डीव है उसे यूस्टेशिया वाई जो है वो पसंद होती है और उसने एक बार उसे प्रपोज भी किया होता है, लेकिन यूस्टेशिया वाई ने उसे प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया होता क्योंकि जो यूस्टेशिया है वो ये समझती है कि जो विल्डीव है उसका स्टेटस जो है वो लो है। अब बाद में क्या होता है, यूस्टेशिया वाई जो है अब उसे विल्डीव पसंद नहीं होता जितना पहले पसंद होता है। इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो हमारे नॉवल का हीरो है जिसका नाम है क्लिम योब्रॉयड। अब क्लिम योब्रॉयड जो है वो हमारे पास एक डायमंड मर्चेंट है और वो पेरिस से आया है। अब वो पेरिस से आता है, जैसे ही वो पेरिस से आता है, यूस्टेशिया को एक और शिकार मिल जाता है, एक और बंदा मिल जाता है कि मुझे यहाँ से निकाल सकता है, तो क्या करती है, फौरी तौर पर उसे मिल लेती है। जब वो उससे मुलाकात करती है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत प्यार बढ़ जाता है। फिर यूस्टिशिया क्या करती है, यूस्टिशिया विल्डीप को बताती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती और उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अब इससे विल्डीप जो है वो थोड़ा बहुत गुस्से में आ जाता है कि इसने क्या कहा, और वो क्या करता है, गुस्से में थॉमसन से शादी कर लेता है। अब जो यूस्टिशिया है उसे ये बात सुन के बहुत ज्यादा मायूसी होती है कि जो थॉमसन सॉरी जो क्लिम योब्रॉयड है वो वापस से नहीं जा रहा और यहाँ पे क्या करना चाहता है, अपने आप को सेटल करना चाहता है क्योंकि उसे ये जिंदगी ज्यादा पसंद है। अब क्लेम योब्राइड क्या करता है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें एजुकेट करने के लिए एक स्कूल बनाता है, लेकिन यूस्टेशिया जो है वो इस बात को यकीन रखती है कि मैं इसको मना लूंगी कि हम वापस से बाहर चलते हैं और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रखा। तो क्या कर लेते हैं, यूस्टेशिया वाई जो है वो क्लेम योब्राइड के साथ शादी के लिए मान जाती है। अब इन दोनों की शादी के लिए ये तो मान गए, लेकिन मिस्टर्स योब्राइड जो है वो ना इनकी शादी के लिए मानती है ना थॉमसन और विल्डीव की शादी के लिए मानती है, दोनों की शादी को वो डिसअप्रूव कर देती है। और यहाँ तक कि जो मिस्टर्स योब्राइट है वो अपनी बेटी की शादी में आती भी नहीं है, वो कहती है कि मुझे इस शादी में किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब मिस्टर्स योब्राइट को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है कि उसका जो बेटा है वो अपनी जहानत और अकलमंदी जो है वो कहीं दूर जाने की बजाय, दुनिया की बजाय यहाँ पे इस जगह पे इस्तेमाल कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है, तो उसे इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आया होता है। थोड़ा बहुत गुस्सा यूस्टेशिया को भी इसी बात पे आया हुआ होता है, यूस्टेशिया तो साथ में डिसअपॉइंट भी हुई होती है। अब फिर क्या होता है, जो क्लिम योब्राइट है वो स्कूल
कीपिंग में क्या करता है, इतना ज्यादा पढ़ता है, इतना ज्यादा पढ़ता है कि उसकी नजर जो है वो जवाब दे जाती है, मतलब उसकी नजर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और अब वो क्या करता है, एक फर्ज कटर की जॉब के लिए वो मजबूर हो जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। अब फर्ज कटर मतलब ये बुशेज वगैरह जो है ये काटता है। यूस्ट्रेशिया जो है वो और ज्यादा मायूस हो जाती है कि क्लिम ने इतना लो कैरियर क्यों चूज किया, और उसे ये एहसास होता है कि अब वो एडगन हेड से नहीं निकल सकती। अब ये जब होता है तो उसे वापस से जो वेल्डिव है उसके बारे में सोच आती है कि यार वेल्डिव जो है वो शायद मुझे यहाँ से निकाल दे। फिर से वेल्डिव के लिए उसके जज्बात जो है वो बेदार हो जाते हैं, और उसे पता चलता है कि वेल्डिव की कुछ लॉटरी वगैरह निकली है और उसकी बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत हो गई है, और वो क्या करना चाहता है, दुनिया का सफर करना चाहता है। वेल्डिव जो है वो एक दिन जो क्लेम योब्राइट है उसके घर आता है, लेकिन जो क्लेम है वो सो रहा होता है। यूस्टेशिया जो है वो उसके आने पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर कंफ्यूज हो जाती है कि जब उसकी जो सास है मिस्टर योब्राइट वो बगैर बताए आ जाती है। यूस्टेशिया जो है वो उनकी मिसेस योब्राइट जो है उनकी दस्तक को टाल लेती है, मतलब दरवाजा नहीं खोलती, और जो विल्डिव है उसके साथ मतलब मुलाकात करती है। अब मिसेस जो योब्राइट है उसको लगता है कि उसके बेटे ने और उसकी जो बहू ने उसने उसे जुटला दिया। मिसेस योब्राइट जो है वो अपने घर जाने के लिए अब रवाना हो जाती है, लेकिन रास्ते में जो है उन्हें सांप काट लेता है, और सांप काटने के बाद वो क्या हो जाती है, एडगन हेड की झाड़ियों में ही मर जाती है। अब क्लिम योब्राइट जो है उसे इस बात का पता चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा खफा हो जाता है, और पहले वो अपने आप को और फिर यूस्टेशिया को इस बात के लिए ब्लेम करता है कि मिस्टर योब्राइट की जो डेथ है वो हमारी वजह से हुई है। अब जब वो ये बात करता है तो यूस्टेशिया को पहले भी उससे थोड़ा बहुत जो वो है नफरत है वो हो गई होती है, लेकिन जब उसकी ये बात वो सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से और दुख में क्या करती है, चली जाती है, और उसे जो क्लेम है उससे नफरत होने लगती है, और वो अपने जो ग्रैंडफादर है जिनका नाम कैप्टन वाई है उनके पास चली जाती है। अब आगे क्या होता है, आगे जो वेल्डिव है वो यूस्टेशिया को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे एडगनहेड को छोड़ के। अब वो कहती है ठीक है, फिर वो एक शाम क्या करते हैं, मुंतखब करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, और उस शाम को बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उस प्लान को मनसूख नहीं करते, वो बिल्कुल कहते हैं कि चले हमने यहाँ से निकलना ही है। अब आंधी बहुत ज्यादा चल रही होती है, तो आंधी की वजह से जो यूस्टेशिया वाई है वो क्या होती है, वो समंदर में या झील में, आई थिंक सॉरी झील में गिर जाती है। जब वो झील में गिर जाती है तो जो वेल्डिव है वो भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। अब यहाँ पे आधी कहानी यहाँ से हो गई। अब दूसरी तरफ जो क्लेम ओब्राइट है वो अपनी बीवी को लेटर लिखता है कि तुम आ जाओ, और ये है वो है, दोनों साथ में क्या करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, कोई नहीं, हमारे मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें इतना डांटा वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ जो थॉमसन है वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है, तो जो क्लेम है वो अपने उसको वाइफ को ढूंढ रहा होता है, थॉमसन अपने हस्बैंड को ढूंढ रही होती है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये हो गया, और इसके अलावा जो यूस्टेशिया का ग्रैंडफादर है वो यूस्टेशिया को ढूंढ रहा होता है, और इसके साथ जो डिगोर इवन है वो भी आ गया होता है इनकी हेल्प के लिए। तो वो सारे जब आते हैं तो देखते हैं कि जो यूस्टेशिया है वो डूब रही होती है और जो बिल्डिव है उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो क्या होता है, जो क्लेम है वो इनके पीछे छलांग लगाता है, और क्या करता है, जो यूस्टेशिया है वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है, और उसकी रेस्क्यू करने में जो बिल्डिव है उसकी भी डेथ हो जाती है, और जो क्लेम योब्राइट है वो भी इसमें बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब क्या होता है, जो थॉमसन है वो क्लेम योब्राइट के साथ आ जाती है अपनी बेटी को लेकर। अब क्लेम योब्राइट सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अब इससे शादी कर लूंगा जो थॉमसन योब्राइट है, लेकिन इसमें जो डेगोर इवेन है वो एक फार्मर बन के, डिपेंडेंट फार्मर बन के वापस आता है, और यूस्टेशिया से कहता है कि सॉरी वो थॉमसन से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। थॉमसन जो है वो डिगोरीवन से शादी कर लेती है, इनकी जिंदगी बस अच्छी हो जाती है, और जो क्लेम योब्राइट है वो क्या करता है, उसे अब उसके जो मदर है उसकी डेथ का भी वो अपने ऊपर वो ले लेता है कि ये भी मेरी वजह से हुआ। यूस्टेशिया की जो डेथ है वो भी वो अपने ऊपर ले लेता है कि ये भी मेरी वजह से हुआ। अब वो क्या करता है, वो एक प्रीचर बन जाता है, वो अपनी तन्हाई को खत्म करने के लिए क्या करता है, प्रीचिंग करता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ रहा नहीं होता, तो वो क्या करता है, अब लोगों को क्या करता है, प्रीच करता है, उन्हें अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहानी जो है वो खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए करें। और अगर कोई आपका कमेंट हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करें, मैं कमेंट बहुत गौर से पढ़ता हूँ। और दोस्तों अगर आपको किसी किस्म की भी वीडियो चाहिए, कोई भी जो लिटरेचर रिलेटेड कॉन्टेंट होता है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैंशन कर सकते हैं अपने कमेंट्स में, तो मैं आपके कमेंट्स पे उसी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।